भाई हम तो कहते हैं जान छूटे हमारी इनसे, बस हमारा नवाज़ वापस आए बस। जो भी तब्दीली है ये पीछे की तब्दीली है, आगे की तब्दीली का तो सोच भी नहीं सकते हैं। खुदा के लिए खान साहब से हमारी जान छुड़वाएं और उसको बोलें कि अपने घर में जाएं, मौका दें किसी और को जो पाकिस्तान का सोचे। और पहले तो ये चोरों का काम था, अभी ये ईमानदार और ये हाल हो गया हमारा। इनसे तो चोरी अच्छे थे, हम तो खुशहाल थे भाई। कौन ईमानदार? इमरान खान सबसे बड़ा चोर है, जो भी उसके साथ है वो भी चोर है। क्या किया उन्होंने मुल्क के लिए? कुछ किया? तब्दीली लाएंगे, क्या तब्दीली लाई उन्होंने? चीनी का रेट पहले 55 रुपये था, अब 130 है। घी का रेट 150 रुपया था, 330 है। ये तब्दीली ला रहा है, गरीबों को मार रहा है, अवाम को लूट रहा है। ये नवाज शरीफ को चोर बोलते हैं, ये खुद चोर है। इन्होंने बुरा भला नवाज शरीफ को बोला है। ये आप बहुत पछताएंगे, एक दिन ऐसा आएगा पछताएंगे, जब नवाज शरीफ वापस आएगा ना तो ये पछताएंगे। इनको वादा करते हैं आपने उनको चोर बोला, इंशाल्लाह ताला आप निकलोगे चोर। उसको तो नया तो बन चुका है भाई, अभी तो पुराना ढूंढ रहे हैं। पुराना मिल जाए तो बड़ी बात है, नया की तो बात ही छोड़े। पर महंगाई तो कम करे ना, अवाम को क्यों दलील का रहे हैं? तब्दीली का बोला, तब्दीली नहीं लाई इन्होंने। आगे आएगा उसका क्या हाल होगा? उससे डबल, यानी पीछे वालों ने की उससे डबल इन लोगों ने कर दी। जो आगे आएगा क्या हमारा पाकिस्तान यही रोना रोता रहेगा कि पीछे वालों ने पाकिस्तान की हालत कभी नहीं सुधरेगी? हमें हमारे पाकिस्तान में खुमीनी चाहिए जो इस पाकिस्तान की तकदीर बदले, वरना इन सियासतदानों के बस का रोग नहीं। चलो भाई, हमें लंगर खाना नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। काम का कुछ सोचे, लंगर खानों का नहीं। लंगर खाना क्या है? तो उससे तो अच्छा फिर दरबार में चले जाओ, वो ग्यारहवीं शरीफ वो खाना खाओ और सोते रहो। काम चाहिए, काम का तो वो सूरत हाल आपके सामने है। कोई क्या कारोबार, क्या रहे? कुछ भी नहीं बनाया उसने, क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ नवाज शरीफ ने किया। अब अपने पल्ले डाल रहा साहब जान बाट को। क्या वजह है? अच्छे लीडर हैं, अच्छे लीडर, अच्छे लीडर हैं। तो किसी जमात को नून लीग या पीटीआई को क्यों नहीं कर रहे? पीटीआई तो हरगिज नहीं करेंगे हम। क्यों? अच्छे नहीं है, दिल नहीं मानता। ईमानदार हैं, सम लीडर हैं। कौन ईमानदार? इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। अच्छा, जो भी उसके साथ है वो भी चोर है। अच्छा। क्या किया उन्होंने मुल्क के लिए? कुछ किया? तब्दीली लाएंगे, क्या तब्दीली लाई उन्होंने बताएं? ठीक है, सब महंगाई उसने कहते हैं करप्ट लोगों चीनी, को पकड़ के जेल में किया है। चीनी का रेट पहले 55 रुपये था, ठीक है, अब 130 है। घी का रेट 150 रुपया था, 330 है। ये तब्दीली ला रहा है, गरीबों को मार रहा है, अवाम को लूट रहा है। ये नवाज शरीफ को चोर बोलते हैं, ये खुद चोर है। इन्होंने बुरा भला नवाज शरीफ को बोला है। ये आप बहुत पछताएंगे, एक दिन ऐसा आएगा पछताएंगे, जब नवाज शरीफ वापस आएगा ना तो ये पछताएंगे। इनको वादा करते हैं आपने उनको चोर बोला, इंशाल्लाह ताला आप निकलोगे चोर। बस यही मेरा बयान है। ये तो चोरों को पकड़ने, करप्शन को ख़त्म करने आए हैं खान साहब। इन्होंने करप्शन बढ़ा दी है। अच्छा, ठीक है। जैसा कि देखना, मैंने चीनी और घी की बात की है, सही है, तो वो भी महंगा हुआ, ठीक है। काम कहते हैं दुनिया को, अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं खान साहब, सारी दुनिया के सामने डट के खड़े हैं। माना डट के खड़े हैं, पर महंगाई तो कम करे ना, अवाम को क्यों दलील का रहे हैं? तब्दीली का बोला, तब्दीली नहीं लाई इन्होंने। क्या किया है, क्या किया इन्होंने? 3 साल हो गए, 2 साल बकाया, चलो वो भी गुजर जाएंगे, ओके सोके ओके, ठीक है, गुजार लेंगे। अरे हम तो कहते हैं जान छूटे हमारी इनसे, बस हमारा नवाज शरीफ वापिस आए, बस पक्का लीडर है हमारा नवाज शरीफ, जिंदाबाद है, जिंद जान हम उनके साथ हैं, ठीक है, जान भी हाजिर है उनके साथ हमारी, ये उनको पूरी आवाम उनके साथ है नवाज शरीफ के। इंशाल्लाह ताला जब भी वापस आएंगे भरपूर नारे लगाएंगे नवाज शरीफ के हम। तो क्या वजह है नवाज शरीफ को क्यों सपोर्ट करते हैं? वो अच्छे हैं, उन्होंने महंगाई नहीं बहराई। ये करप्शन की बात, कौन सी करप्शन की है उन्होंने? चोर चोर बोलते हैं, ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे। इमरान खान कहते हैं मैंने 3 गुना सस्ती सड़कें बनाई हैं, प्रोजेक्ट। क्या कुछ भी नहीं बनाया उसने, क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ नवाज शरीफ ने किया, ठीक है। अब अपने पल्ले डाल रहा सब, ये मैंने करवाया वो मैंने करवाया, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो सब लूट रहा है आवाम को बस। आइंदा 2 साल में कुछ तब्दीली की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बन रहा जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान को नवाज शरीफ, नवाज इमरान खान को अच्छा नहीं, क्या करते हैं? महंगाई बड़ी गलत है, महंगाई गलत। तो आपको महंगाई का कैसे? घर वाले चीज़ें लेने जाते हैं, कुछ नहीं होता, सारा कुछ महंगा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर? चांद भट्ट को।
क्या वजह आजाद उम्मीदवार को? आजाद उम्मीदवार है लेकिन उसका विजन है वो एक बेलौस और सबकी सबका गरीबों का हमदर्द है, हर एक के साथ चलता है, इसलिए हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो पीटीआई या नून लीग को क्यों? नून लीग ने इसको चांद भट्ट को, इसने 5 साल उसकी खिदमत की है, इसको पिछले इलेक्शन में भी उन लोगों ने वादा किया था, एग्रीमेंट किए थे, इसको धोखा दिया है, इसलिए हम दिलो जान से चांद भट्ट की सपोर्ट कर रहे हैं। और पीडीए का तो हाल ही बहुत बुरा है, वो तो आप भी जानते हैं महंगाई कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ ले गए हैं। नया पाकिस्तान उसको तो नया तो बन चुका है भाई, अभी तो पुराना ढूंढ रहे हैं, पुराना मिल जाए तो बड़ी बात है, नया की तो बात ही छोड़े, पीडीए को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने खान साहब ने जो 3 साल की कारकर्दगी बताई है अपनी, प्रोजेक्ट्स बताया, आप कोई प्रोजेक्ट नजर आया यहाँ पे तो एक हमारा एक यू टर्न सही तरीके से नहीं बन सका है। बाकी तब्दीली कहाँ पे है? जो भी तब्दीली है ये पीछे की तब्दीली है, आगे की तब्दीली का तो सोच भी नहीं सकते हैं। खुदा के लिए खान साहब से हमारी जान छुड़वाएं और उसको बोलें कि अपने घर में जाएं, मौका दें किसी और को जो पाकिस्तान का सोचे। फिर 2 साल के वान साहब का बयान था कि इमरान खान पाकिस्तान की आन बान शान है, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। तो आई फिर 2 साल का वान साहब कहाँ है? वो सिर्फ बयान की हत्या किया, इसीलिए वो घर में जाके बैठ गई हैं, क्योंकि उनके खाली बयान ही है और उनका कुछ भी नहीं है, ना कोई विजन है, ना कुछ कारकर्दगी है, इसलिए फिरदौस आशिक अवान साहब जो है ना छुट्टी हो गई उसकी। जी तो जो पंजाब है, खान साहब शिकवा कर रहे थे कि उस्मान बुज़दार इतना काम करते हैं लेकिन कोई तारीफ नहीं करने वाला। वो उस्मान बुज़दार की तारीफ कर, वो तो खाली वो एक कागजी किया, क्या नाम है वो, खाली डिमी वो बेचारा वजीर आला है, उसकी कारकर्दगी क्या, उसके हाथ में है ही क्या है, वो तो बिल्कुल बेकार का, बिल्कुल बेकार है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उनके हाथ में, वो सूबा देने वालों ने दिया हुआ उस बेचारे के हाथ में, क्या मुझे बिठा दे मैं भी ले लूँगा, सूबे की क्या बात करते हैं, मुझे बिठा दे उससे अच्छा काम मैं खुद करके दिखाऊंगा, हम उससे बिल्कुल मुतमिन नहीं है। कहते हैं महंगाई, पिछले लोगों ने नून लीग ने करप्शन की, कर्जे लिए, जिस वजह से मेरे भाई जो आगे आएगा उसका क्या हाल होगा? उससे डबल, यानी पीछे वालों ने की उससे डबल इन लोगों ने कर दी, जो आगे आएगा क्या हमारा पाकिस्तान यही रोना रोता रहेगा कि पीछे वालों ने पाकिस्तान की हालत कभी नहीं सुधरेगी? बताएं कि अगर यही हाल रहा तो ये आगे वाले जो आएंगे उनका क्या हाल होगा? इनका तो कहते हैं 70 सालों में पहली दफ़ा ईमानदार लीडर मिले, तो इससे आगे जो आएगा वो इनसे भी ईमानदार जो है ना कोई को आएगा तो इंशाल्लाह ताला शायद या को खमीनी चाहिए भाई हमें। अच्छा। हमें हमारे पाकिस्तान में खमीनी चाहिए जो इस पाकिस्तान की तकदीर बदले, वरना इन सियासतदानों के बस का रोग नहीं है। तब्दीली की उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अल्लाह पाक इन लोगों पे हमारी हालत पे तरस करे। महंगाई देख ले, हर दिन 1-1.5 महीने पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और पहले तो ये चोरों का काम था, अभी ये ईमानदार और ये हाल हो गया हमारा। इनसे तो चोरी अच्छे थे, हम तो खुशहाल थे भाई, उनकी दोबारा हम इंशाल्लाह हम तो यही दुआ करते हैं कि यार वही आ जाए, कम से कम रोटी तो सुकून की मिले और महंगाई जो है वो तो कंट्रोल में हो। हम तो महंगाई को तो ये करप्ट कहते हैं, चोर कहते हैं, तो ये कौन से ईमानदार है भाई, इनमें ईमानदारी का कौन सा पौधा लगा हुआ है? ये उनसे भी बड़े, ये इनकी हुकूमत जरा जाने दो फिर इनका हाल देखना, इनका क्या हाल होता है। ये करप्शन का खात्मा करने आएगा, ये करप्शन के लंबरदार है भाई, खात्मा ये कहाँ पे इलेक्शन भाई, कोई गैस का मीटर लगवाओ 25-26 हज़ार से नीचे नहीं लगता, 6 हज़ार डिमांड नोटिस है। कोई बिजली का लगवाओ वो आपको 12-14 हज़ार से 6 हज़ार रुपया डिमांड नोटिस है। कहाँ करप्शन नहीं है? एक कदम आप जो है रिश्वत के बगैर चल के दिखाएं, हर जगह आपको रिश्वत मिलेगी, हर कोई एक कदम भी आप रिश्वत, जितनी इस दौर में है इतनी रिश्वत कभी नहीं रही। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले 2 सालों में कोई उम्मीद नहीं, 2 सालों में अगर ये भाई, हम तो कहते हैं या अल्लाह एक दिन भी जो है वो पाकिस्तान पे ये लोग भारी हैं। अच्छा। हर दिन आने वाला जो है ना वो हमारे लिए सख्ती का सख्ती से सख्ती होता जा रहा है। किसी से भी पूछो, ना किराया कोई दे सकता है, ना खाना को अच्छा खा सकता है, बहुत हालात जो है ना टाइट कर दिए इन लोगों ने। इनसे हमारी जान छुड़वाए, खुदा के लिए इनसे हमारी जान। सेहत कार्ड, लंगर खाने, इनका कोई फायदा नहीं। लंगर खान यार, मुर्गियां तो पूरे पाकिस्तान को लंगर खानों में बिठा दो, बाकी काम करने की जरूरत नहीं है, बस वो दिन में सोते रहो, रात को लंगर खानों में चले जाओ। भाई हमें लंगर खाना नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, काम का कुछ सोचे, लंगर खानों का नहीं। लंगर खाना क्या है? तो उससे तो अच्छा फिर दरबार में चले जाओ, वो 11वीं शरीफ वो खाना खाओ और सोते रहो। काम चाहिए, काम का तो वो सूरत हाल आपके सामने ही है, कोई क्या कारोबार क्या रह गया है? छोटे कारोबार को देते दे रहे हो, छोटा है कहाँ पे? कोई काम आपको कोई नज़र आ रहा है कोई छोटा काम? छोटा कौन सा, यानी ये जो मिसाल है वो तिक्के कबाब वाले हैं या ये जो रेडी बांध वाले हैं? कोई इंडस्ट्री चाहिए, कोई टेक्निकल काम चाहिए? इन लोगों ने किया क्या है? कुछ भी नहीं, खाली नाम के नारे हैं और कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। जी बहुत शुक्रिया भाई, ओके, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी। सर किन्हों सपोर्ट कर रहे हो जी? जी है अपना चौधरी गुलाम मैयदीन। बड़ैच बड़ैच की वजह उन्होंने सपोर्ट करने दी? की वजह सपोर्ट करने दी? अच्छे लोग ने, अच्छे लोग, बेहतरीन लोग ने। इन्हां दी जिहड़ी जमात है पीटीआई उन्हों भी सपोर्ट करते हो कि नहीं? इमरान खान साहब ओदे च ही है जनाब। इमरान, हां जी, वजह उन्हां दी 3 साल दा कारकर्दगी दे बारे की कहोगे जी? इमरान खान साहब दी 3 साल दा कारकर्दगी खुश होदे तो तब्दीली? बहुत खुश हां जनाब। लोग कहंदे ने महंगाई बड़ी इन्हां ने कर दित्ती है। ओ जी महंगाई तो कभी महंगाई हो जाती कभी सस्ता हो जाता काम, लेकिन ये भी वो काम अच्छे कर रहे हैं। कोई अच्छे काम उन्होंने जो अमरीका के हवाले या अफगानिस्तान कश्मीर के हवाले अपोजिशन कहती है कि इन्होंने अच्छा नहीं लड़िया केस जी? वो अपना प्रोपेगेंडा अपोजिशन का समझ दो महल च भी बड़ा अच्छा ना है। हर बच्चे नाल प्यार करते ने, वड्डे नाल प्यार करते ने, बुजुर्ग नाल प्यार करते ने। इस वजह तो इन्होंने इन्हों सीट मिली है तो इन्होंने आख्या जी थोड़े नाल जिथे जलसा जी इन्हों की जमात है पीटीआई। हाँ जी इमरान खान साहब, हाँ जी उन्होंने बारे च भी है ना तो भी आए इन्ना अगे। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने नाल असी उन्होंने नाल भी हैं। इमरान खान साहब लोग कहते महंगाई करते हैं पे, चलो उन्होंने पता महंगाई करते हैं, असा तो कमा के खाना। तुम खुश हो? बड़े खुश हैं। हाँ जी बहुत शुक्रिया।